फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे मावा कैसे बनाया जाता है। वैसे तो मावा बाजार में भी मिल जाता है, लेकिन बाजार में कभी कभी शुद्ध मावा नहीं मिलता है, उसमें मिलावट होती है। इसलिए इसको बनाना बहुत इजी है, इसलिए इसको हम घर पे ही बनाते हैं। रिसेंट मावा बना के कोई भी डिश बनाई जाती है तो वो टेस्टी भी होती है, इसलिए हमें घर पे ही मावा बना लेना चाहिए। अब मावा बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और पैन में हम चारों तरफ हल्का सा घी लगा लेंगे। इससे ये फायदा होगा कि हमारे घी लगने की वजह से हमारा दूध बाहर नहीं गिरेगा। ये देखिए, हल्का सा चिकनाई हम लगा लेते हैं जिससे हमारा दूध बाहर नहीं जाएगा। किनारों पे लगा लिया है। अब इसमें हम 1 लीटर दूध डालेंगे। 1 लीटर दूध में करीब 200 ग्राम मावा बन जाता है। फ्लेम को तेज कर देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। अब देखिए, ये दूध बॉयल होने लगा है। अब इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसको चलाना इसलिए जरूरी होता है, वरना ये बीच में दूध नीचे लग जाएगा। इसको चलाते रहना है और ये ध्यान रखना है, ये जो साइड में दूध लग जाता है इसको हम कलछी से ऐसे हिला के निकालते रहेंगे। खोया बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन ये है, इसके साथ हमको लगातार खड़े रहना पड़ता है। मतलब इसको हम लगातार थोड़ी थोड़ी देर पे चलाना पड़ता है। इसको लगातार चलाते रहते हैं जिसकी वजह से इसमें मलाई भी नहीं पड़ पाती है और हमारा खोया अच्छा बनता है और नीचे लगता भी नहीं है। इसको देखिए, ऐसे करके हम लगातार चलाते रहेंगे। इसको मावा कहते हैं, इसके साथ साथ खोया भी कहते हैं। देखिए, हमारा बॉयल हो रहा है और बन रहा है। इसको दूध गाढ़ा होने तक हम ऐसे ही पकाते रहेंगे। देखिए, हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है, पहले से कुछ कम हो गया है। और इसको लगातार चलाने से एक और फायदा होता है कि हमारा मावा जो है एकदम व्हाइट बनता है। देखिए, हमने घी लगाया था इसलिए ये तली में लग भी नहीं रहा है, साइड में चिपक भी नहीं रहा है। इसलिए एक छोटी सी टिप्स है आपके लिए कि जब भी मावा बनाएं तो जिस बर्तन में बनाएं उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लें। देखिए, हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है। अब मुश्किल से आधा लीटर दूध बचा हुआ है। मावा बनाने के लिए हमको कम से कम 40-45 मिनट लग जाते हैं। देखिए, ये खूब गाढ़ा हो गया है दूध। अब ये मावा बनने ही वाला है। जब ये गाढ़ा हो जाता है और खोया बनने वाला होता है, मावा बनने वाला होता है, तो इसमें थोड़े से छींटे उठते हैं, इसलिए इसको हम सिम करके तब बनाते हैं, सिम फ्लेम करके बनाते हैं ताकि ये छींटे अपने ऊपर नहीं गिरे। देखिए, ये थोड़े थोड़े छींटे उठ रहे हैं। अब ये बिल्कुल बनने वाला है। हमारा मावा तैयार हो गया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो एकदम ये टाइट हो जाएगा। देखिए, मेरा मावा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे मावा कैसे बनाया जाता है। वैसे तो मावा बाजार में भी मिल जाता है, लेकिन बाजार में कभी कभी शुद्ध मावा नहीं मिलता है, उसमें मिलावट होती है। इसलिए इसको बनाना बहुत इजी है, इसलिए इसको हम घर पे ही बनाते हैं। रिसेंट मावा बना के कोई भी डिश बनाई जाती है तो वो टेस्टी भी होती है, इसलिए हमें घर पे ही मावा बना लेना चाहिए। हम आपको अगली रेसिपी में मावा के पेड़े बनाना सिखाएंगे।